अमिताभ बच्चन यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करावा. सिनेसृष्टीतल्या त्यांच्या योगदानाकरता दादासाहेब फाळके पुरस्कार अमिताभ बच्चन यांना दिला जातो. सिनेमासृष्टीत 50 वर्षाहून अधिक काळ अमिताभ बच्चन यांनी रसिकजनांच्या हृदयावरती राज्य केलं आणि याकरता सरकारच्या वतीनं दिला जाणारा सिनेसृष्टीतल्या कामगिरीकरताचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा सर्वोच्च पुरस्कार अमिताभ बच्चन यांना सिनेसृष्टीतल्या योगदानाबद्दल प्रदान करण्यात आला. भारताचे महामहिम राष्ट्रपती यांच्या हस्ते हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. दादासाहेब फाळके सम्मान से सम्मानित श्री अमिताभ बच्चन जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आए और दो शब्द कहें. भारत के राष्ट्रपति माननीय और परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता देवी और सज्जनों, मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितनी भी जूरी के सदस्य हैं उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं. अनेक धन्यवाद. ईश्वर की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं. दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म उद्योग में भाग लगने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. इस पुरस्कार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं. अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो. जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मेरे मन में एक संदेह उठा और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए. क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी. धन्यवाद.